चल जान दे। नहीं नहीं बोल रहा, रेंदे रेंदे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसा आप सब? आई होप कि आप सारे के सारे मजे में होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, फिलहाल मैं ना एक गांव में गया था। ये गांव है, इसको दगड़खेड़ी बोलते हैं, और साहिबा भी मेरे साथ में है। गाइस, मैं ना छाछ लेने के लिए गया था, छाछ देखने के लिए गया था कि छाछ है या नहीं है, यहाँ पर छाछ मिलती है। क्या हो रहा है कि छाछ जो बेचने के लिए आता है ना, वो अभी दो चार दिन से आ नहीं रहा है। छाछ हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, मतलब गोले बनाने में परेशानी आ रही, गोले ख़त्म हो रहे हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गया था दगड़खेड़ी में कि भाई छाछ है कि नहीं। तो भाई साहब ने बोला कि यार शाम को देखते हैं या फिर कल बनाएंगे सुबह, तो कल ले जाना। तो दोस्तों, वैसे छाछ है ना बहुत सस्ती मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। 15 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर, कोई 20 रुपये लीटर भी देता है। जो ये भाई साहब देने के लिए आते हैं ना हमारे गाँव में, हमारे घर पर बाहर गाँव से, वो 20 रुपये लीटर देते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो छाछ ना फ्री में देते हैं। तो साहिबा जो है कि जीत करी कि मैं भी चलूँगी पापा, तो इसलिए साहिबा को लेके आया हूँ। देखो साहिबा ने अभी मुहाद भी, साहिबा मुहाद धोए नहीं तो और कुछ सामान भी मैंने मार्केट से लिया यहाँ साथ पर रखा है। मेरे पीछे ये चौगान दिख रहा, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। एक बार पहले भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर पहले क्रिकेट खेलते थे और हम यहाँ पर छाँव में खड़ते थे। चौगान है ना, यहाँ पर पहले क्रिकेट खेलते थे, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पुरानी बात है। और ये गांव है दगड़खेड़ी, यहाँ पर मैं छाछ लेने के लिए गया था। डीरा दादा पहले यहीं पर रहते थे, बाद में फिर वो उधर चले गए आगे। एक भाई साहब लकड़ी लेके आ रहा है अपने कंधे पे लाद के, और बेचारा जंगल से लेके आया है, उसके बाद में मार्केट में बेचेगा, 50-60 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जो इसका खर्चा है तेल साबुन वो लेके जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ती है दोस्तों। ये लकड़ी जंगल से लेके आ रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता। और गाइस, ये रही साहिबा। साहिबा गुड मॉर्निंग बोलो। ये क्या लग गया साहब आपको? उनसी हो गई। और गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा पानी बचा है, असल में पानी बचता नहीं है, ख़त्म हो जाता है ये नाले में, लेकिन थोड़ा सा पानी बचा है जिसमें अभी जानवर पानी पीते हैं। ढोर बैल बकरी ये पानी पी रहे, देखो थोड़ा सा पानी बचा। इधर कुछ आम भी है, एक हेडपम्प में, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है। साहिबा उतर गई, चलो बेटा चलते हैं, चलते हैं, चलो। ये पेड़ है एक, यहाँ पर हम बैठते थे, यहाँ क्रिकेट चलता था ना गाइस, तो हम यहाँ बैठते थे और मैच का आनंद लेते थे। चलो चलो साहिबा, चलो 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 चलो, बैठो बैठो बाइक पे, मैं बिठा दूँ। गाइस, बर्नर पानी का इसमें रखा है, जरा इसको है ना हम यहाँ रख देते हैं, ठंडा करते हैं पहले पानी को। यह अब ठंडा रहेगा दिन भर, अब इसको बंद कर दो, लो पानी पियेंगे। गाइस, अरमान आया है, भतीजा मेरा, चस्का दिया है इसको एक, और ये इसके मार्क्स पे स्क्रैच लगा के आया है। देखो ये कहाँ गिर गया था अरमान, बॉल पे गिर गया। ये कहाँ गिरा? सही से बोल, क्या कहाँ गिरा? हमारे घर। ये तो कैसे गिर गया? दादी के घर, मैं तो, मेरे को भी नहीं पता है। क्या अरमान, नीचे गिर गया जमीन पे? खेलने में गिरिया, बहुत दौड़ता है। और कहाँ कहाँ लगा? और कहाँ कहाँ लगा? यहाँ भी लगा था। हाँ। यहाँ तो अच्छा है, ज्यादा मस्ती नहीं करना है, घर में गोल गोल दौड़ा करता दिन भर। तो गाइस, अरमान को है ना साथ छोड़ने के लिए जा रहा है। अरमान का पर्स तेरे पास रख ले और आराम से लेके जाना इसको, है ना, तेरे नीचे उतार ले, नीचे उतार ले, नीचे, बस बस। चल जान दे।
अरे नहीं नहीं बोल रहा, रेंदे रेंदे अरमान है ना, डर गया है। अभी मैं बाइक से छोड़ाऊंगा। फट्टू फट्टू है ये, फट्टू है, ये फट्टू है। दोस्तों खाना खा लेते हैं, चावल बने हैं और बाटी भी बनी है, दाल है, बाटियां भी है, तो खाना खा लेते हैं। और ये लौंजी है, लौंजी जरा सी गजी, जरा आम ला देना, ले आएंगे आम। क्या बोल रहे हैं आप, जोर से बोलना। केरी से बनाई, हाँ केरी से बनाई। नया को देखो खेल खेल रही है, ये कमरा बना रही है। सुना है क्या क्या है कमरे में? गुड्डा की गोदरे है, हाँ कपड़े दोनों के, दो रंग के बेड है, ये अलमारियाँ है, घड़ी है, ये बैठने की कुर्सी है रानी है, और ये सामान भी है ना। खेलो खेलो, तो गाइस शाम हो चुकी है और बहुत दिनों से है ना ये बाल कटवाना चाह रहा था, मैं हेयर कटिंग करवाना चाह रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज जाता हूँ और बाल कटवाता हूँ। वाइफ बहुत नाराज़ हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाल कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, ये देखो काम करता हूँ ना सामने से आ जाते हैं बाल, तो बहुत बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, तो जाता हूँ और हेयर कटिंग करवा के आते हैं। मज़ा आ जाना चाहिए ना नारायण, एकदम सुपर स्टार। हाँ ये जरा हेयर कटिंग करवाने आया, थोड़ा सा क्लिप ले लो यार, आप भी बनवाएंगे। क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है। क्या नाम है आपका? नाम भूल गया यार, आपको बताया मेरा नाम महेश। महेश नाम है ना, नाम कभी भी कोई पूछे ना पूरा नाम बताना, पूरा सा नाम बताया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नाम महेश डुडवे डावर सोलंकी, पहले ने बताया था आपको महेश परमा। हाँ महेश कर्मा परमार परमार परमार, हाँ इसको पूरा नाम बोल परमार ठाकुर, परमार ने तो ठाकुर बोल देना। हाँ परमार ने आया तो ठाकुर बोल देना, हाँ तो पूरा नाम वही होता है, मतलब हाँ मतलब कि पीछे के गोद बोलना चाहिए। चल देना यहाँ से, यहाँ से ऐसे जीरो छोटे कर दो। तो गाइस हेयर कटिंग बनवा ली है, घर जाते हैं नहाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ सर पापा, अच्छी कटिंग है, अच्छी लग रही है। वहाँ नारायण भाई क्यों? अच्छी है। चलो मैं नहा लेता हूँ। क्या बन रहा है? खिचड़ी। गाइस खिचड़ी बनने की तैयारी हो रही है, बैंगन भी लिए थे आज। पहले मेरी कटिंग देखो, अच्छी ठीक है, अच्छा होगा। अब से बोल गाइस ये बहुत दिनों से बोल रहे थे हेयर कटिंग बनवा लाओ, पर टाइम नहीं मिला था, वो लाइट गई। चलो मैं ना लेता हूँ। तो गाइस ये है मेरी हेयर कटिंग, हीरो बनने गया था, जीरो बन के आ चुका हूँ, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, सनाया साहब ऐसा बोल रहे हैं। और गाइस आपको कैसे लग रही है मेरी हेयर कटिंग, कमेंट करके जरूर बताना।
तो सर आज भी काफी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो का एंड करने का टाइम भी हो चुका है। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पर जाइए फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर भी हम अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं। और गाइस बच्चे हैं ना मूवी देखने के लिए एक्साइटेड है, मैं इनको जबरदस्ती यहाँ पकड़ के लाया हूँ, फिल्म देख रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, गुड नाइट।